पवित्र स्वच्छ शरीर कहते हैं पवित्रता, है ना। पवित्रता क्या है वो भी सुना है आपको, क्योंकि हमने बाबा के घर में छोटे बच्चे से पकड़ के 80-90 साल के लिए सभी के गए, है ना। तो इसके लिए बाबा ने पवित्रता एक चीज बताई, पवित्रता मन की, तन की, संकल्प की, व्यवहार की, वाणी की, बहुत प्रकार की पवित्रता है। उसके अंदर भारत क्या था, स्वर्ग था। तो भारत के अंदर इतना सारा कचरा किसने बनाया, सब लोग कहते हैं माताओं ने बनाया, सही, मुझे तो पता नहीं, आप बताओ। भारत स्वर्ग था, है ना। तो भारत में इतनी सारी गंदगी, सारे सब जगह पर कागज है, कितने बनाया, कहते माताओं ने बनाया, माताओं ने बनाया नहीं, भारत तो स्वर्ग था। बाबा ने आकर के माताओं के द्वारा ज्ञान का कलश रखा, इस नरक को स्वर्ग बनाने की क्या किया, नींव रखी, है ना, कलश रखा। लेकिन माताओं की बहुत जो माता है, भारत माता है, तो ये भारत ऐसा कैसे क्यों हुआ, अब इसकी जिम्मेवारी कौन, तो आता है पहली स्वच्छता। घर में माता लक्ष्मी है, सवेरे उठते ही घर में सफाई करना चाहिए, सवेरे उठते स्नान करके किचन में आना चाहिए, संभव है, ठंडी है, कर सकते हो, करते हो भाई, बताओ, हो सकता है कि कठिन है, ऐसा करना चाहिए। ये भारत क्या है, बिना स्नान के कोई भी मंदिर में नहीं आता है, ये भगवान का घर है, भगवान के पीछे। तो सवेरे उठते नियम डालो, सवेरे उठते पहले स्नान करना, फिर दोबारा चाहे तो दोबारा करो, है ना, घर में होते हो, सवेरे उठते स्नान करके फिर किचन में जाओ, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, सब करो। और दूसरी सफाई हो चाहिए, घर में मच्छर है, मक्खी है, घर में सफाई नहीं है, सब जाले लगे हुए हैं, नहीं, रो हफ्ते में एक दफा घर की सफाई के, पवित्रता, सिर्फ शादी नहीं किया उसको पवित्रता नहीं कहते, सत्युग में कितनी स्वच्छता थी। तो वो आत्मा के अंदर बाबा आज संस्कार भरता है, यही आत्मा शरीर छोड़ने के बाद सत्युग में जाएगी। अगर यहाँ उनके जीवन में स्वच्छता नहीं है तो वहां होंगी, आत्मा तो वही है ना, वहां भी ऐसे कर्म करेंगे। तो बाबा के यहां से संस्कार भरता है, तो घर को सफाई करो, खटिया से उठते ही खटिया साफ करो,